बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें और हम मुझे भी अपनी दुआओं से शादो आबाद कर दें। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बस बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। आज के ब्लॉग में हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं, खाली मैं, क्योंकि मेरा आज का दिन इतना ज़्यादा टफ था। एक तो मेरी इतनी बुरी आदत है ना कि मैं ना जब कभी हिम्मत होती है ना तो मैं बहुत सारे काम एक साथ खोल के बैठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, जैसे कोई मैं बहुत ज़्यादा टार्जन हूँ और मैं एक ही दिन में सारे काम कर लूँगी। एट द एंड होता ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ उन कामों को निपटाते निपटाते, और अफसोस कर रही होती हूँ कि यार इतने सारे काम एक साथ मुझे खोले नहीं थे। खैर वाली बात है भाई, आज का दिन भी इसी तरह था। मैंने बहुत सारे काम ऐसे खोल के बैठ गई थी। अच्छा, पानी आ गया हमारे घर पर, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आप लोगों को बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हम लोग टंकी डलवाते हैं। तो यार जब तक ख़रीद के पानी इस्तेमाल कर रहे थे ना तो बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करते थे, आप लोगों को पता है, वैसे ही इतना कम आता है पानी। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, पता नहीं किसकी दुआएं रंग लाई हैं। तो जी, हमारे घर पे पानी आ गया, माशाल्लाह लाइन डल गई है बड़ी सी, तो एक तो माशाल्लाह फिर से ज़िंदगी जो है अपनी रूटीन पे आ गई है। तो मैंने सोचा चले जी जो काम पेंडिंग पर थे वो कर लिए जाए, और वैसे भी बड़ी ईद करीब है तो हम लोग वैसे भी ये सारे जो चंद काम होते हैं निपटा ही लेते हैं। तो अभी मैं जो है ना चूल्हे धो रही थी, आज मैंने बहुत प्रॉपर अच्छे से अपने चूल्हे धोए थे, यानी उसकी जालियाँ वगैरह निकाल के सारी जो है ना पानी से धोई थी, लेमन से अच्छे से, यानी लेमन मैक्स से अच्छी तरह तार से रगड़ रगड़ के और मांझ मांझ के अच्छे से उसको साफ़ की थी, अच्छे से धोई थी। यानी पानी आ जाता है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं ना कि अपने सारे काम निपटा लें। पानी नहीं होता है तो ज़ाहिर है ये सारे काम हो ही नहीं पाते थे। मैं जो ना गीले कपड़े से ऐसे साफ़ कर लेती ऊपर ऊपर से थे, धोती वोती नहीं थी जालियाँ ना, पानी का काम बहुत लिमिटेड करती थी। अब अल्लाह का शुक्र है पानी आ गया है। अच्छा जी, ये तो रही चूल्हों की बात। उसके बाद जी मैंने फ्रिज भी खोल के बैठ गई थी आज, और कपड़े भी मैंने आज धो लिए थे, और खाना भी ज़ाहिर है डेली की रूटीन में शामिल ही होता है। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, अभी भी मैं बैठ के, रात का वक्त है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा दिल इतना चाह रहा है कि मैं बस सो जाऊँ। लेकिन वही वाली बात है ना, काम तो फिर काम है, काम को प्रॉपर तरीके से करना ही है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, काम काम भी चलता ही रहेगा। और ये हम लेडीज़ के साथ तो मसले होते ही हैं, हर नई सुबह कोई एक नया काम लेकर आती है हमारे लिए। तो अल्लाह पाक का इसमें भी शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया हुआ है कि किसी के मोहताज नहीं, अपना काम खुद कर सकते हैं। अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है। अच्छा जी, चूल्हे में साफ़ कर चुकी थी, और जी अब मैं लगा रही हूँ उसकी जाली। और मेरे काम देखें, मुझे जाली लगाना आ ही नहीं रही थी, उल्टी पुल्टी लगा के, और फिर लगा के मैं खुश हो रही हूँ कि मैंने सही जगह लगाई, जबकि मैंने बिल्कुल गलत जगह लगाई थी। ये मैं आगे जब सेट करूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा। चूल्हे जो है ना सेट करके फिर मैंने अपना पूरा फ्रिज खाली कर लिया था, और पूरा किचन जो है ना मैं फैला के बैठी हुई थी। मेरे फ्रिज में जो है ना चीज़ों से खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा जो है ना दवाइयाँ शवाइयाँ ये वो फलाना धमाका पड़ा हुआ होता है। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, आपको पता है वो ब्रोफेन रखनी होती है, और कोई विटामिंस की सिरप है, और अपना मोशन का सिरप है, और खांसी का सिरप है, और शहद है, और इस तरह की चीज़ें जो है ना फ्रिज में मेरे भरी हुई थी। तो खैर बहुत सारी चीज़ें थी फ्रिज में, पानी की बॉटल्स हैं, ये है वो है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ें खाली करके रख दी थी, और फिर जो है मैंने कपड़े भी हाथ से धोए थे आज जो है। कोशिश मेरी होती है कि कपड़े जमा ना करें, और ये देखें जी चुटकी बजा के मैंने कपड़े सुखा दिए, ये देखें तड़ाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें मैंने सोचा था मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने 3 दिन पहले हालांकि कपड़े धोए, और ये देखें 3 दिन के अंदर मेरे ये वाले इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। तो बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है, और ज़ाहिर है हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ऑफ़िस के लिए भी उनको कपड़े ज़ाहिर है डेली चेंज करने होते हैं, तो इस तरह कपड़े निकलते ही रहते हैं, ख़ासकर ज़्यादा बच्चों के कपड़े होते हैं। तो खैर वाली बात है, कोशिश जितना भी कर लेना कि कपड़े जमा ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों जमा हो जाते हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था कराची में ना, पता नहीं क्यों बारिश जैसा मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। अच्छा जी, अब वक्त आ गया था खाना खाने का, तो मैं अब्दुल रहमान को खाना खिला रही थी और मैं ख़ुद भी खा रही थी। तो ये मैं क्या खा रही हूँ, ये आप लोगों ने गेस करना है, मुझे बताना है कि ये मैं क्या खा रही हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं आप लोगों को बताती कि मैं क्या खा रही हूँ, चावलों के साथ जो मैं ले रही हूँ डिश वो क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिस जिसको पहचान होगी मुझे ज़रूर बताएंगे। तो ये जो है मेमनी डिश है, वो बहुत मज़े की डिश है,
इसको खाने से बड़ा मज़ा आता है। ये देखें जी मेरी फ्रिज की चीज़ें, मैं सारी बाहर निकल के बैठी गई थी, और ये देखें जी फ्रिज की सारी जालियाँ वालियाँ शेल्फ वेल्फ सारे खोल खाल के मैं बैठी थी, क्योंकि इनको भी अभी वॉश करना है। जब काम करें तो फिर 100% प्रॉपर करें ना, फिर सब चीज़ें अच्छे से धोएं तो ही मज़ा आता है। और ये जो सफाई वाली वीडियो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है अंदर, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ये वाली वीडियो बड़ी रिलैक्सिंग वीडियो होती है, देख के बड़ा रिलैक्सिंग फील होती है कि हाँ यार अच्छी से हर चीज़ साफ़ हो गई। अच्छा जी, आज की वीडियो में मुझे कुछ दिल की बातें भी करनी हैं उन लोगों से कि जो मुझे पता है मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो मुझे बड़े शौक से देखती हैं, और जो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मुझे बड़ी मोहब्बत से शौक से देखते हैं। मुझे जब कभी भी वो कहीं भी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि सबा हम तुम्हारी वीडियोज़ देखते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो यकीन जाने मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है कि मुझे अच्छा लगता है कि चलें जी फैमिली में कोई भी, ज़ाहिर यूट्यूबर्स अभी बहुत कम हैं, ज़ाहिर हर फैमिली में तो नहीं होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो बड़ी मुझे जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे पर्सनली पता भी है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों से मुझे ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ताकि उन्हें पता चल सके कि भाई मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, अब कौन सी वीडियो मैंने अपलोड की है, ताकि वो इस वीडियो पे कुछ ना कुछ बातें बना सकें। मतलब इन शॉर्ट ये कि वो टो लेने के लिए वीडियोस देखते हैं और कुछ नहीं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, देखें भाई अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें, मेरी ज़िंदगी पे तवज्जो देने की कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ कम से कम मेरी इन वीडियोज़ बनाने से किसी को कोई नुकसान मैं नहीं पहुँचा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। आप लोग अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें, अपना काम करें, मेरी ज़िंदगी में टो लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार जब मैं किसी की कोई मतलब कोई पंचायत नहीं करती, मैं किसी की कोई वो नहीं करती हूँ, कोई भी गॉसिप्स नहीं लगा रही होती हूँ बैठ के फ़लाने ये किया फ़लाने ये किया, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में मगन हूँ, मैं अपनी आपको इतना मसरूफ़ रखती हूँ, आप लोग सब देख ही सकते हैं, इसमें उसमें पार्लर में बच्चों में और ये यूट्यूब से, और अपने आप को इतना मैंने अटैच कर लिया है कि मेरे पास दूसरे बातों के लिए टाइम है ही नहीं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों के पास बड़ा टाइम है कि मेरी ज़िंदगी को बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ये तो वीडियो बना रही है, फ़लाना कर रही है, धमाका कर रही है। तो भाई मेरी जैसी दसियों औरतें हैं जो इज्जत से घर में बैठ के काम कर रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप लोग कर नहीं सकते हैं तो कम से कम बातें भी ना बनाएं, ठीक है ना। अगर मेरे इस काम से किसी को कोई नुकसान हो रहा हो तो बोलें, मैं अपना काम इज्जत से तरीके से करना जानती हूँ, अपने लिमिट्स जानती हूँ, मुझे पता है अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप सोशल मीडिया पे कैसे आ सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरे अंदर बहुत सारे गाइड्स दिए हैं, आपके अंदर नहीं दिए हैं तो आप कम से कम बातें ना बनाएं। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी को डिस्कस करना छोड़ दें। अल्लाह ताला भी इस चीज़ से नाराज़ होता है कि अगर आप किसी की टो लगाएँ। तो बस जी ये आपसे कहना था मुझे, जो लोग लगाते हैं तो जो लोग मेरी ज़िंदगी को बड़ी बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जी ये बातें उन लोगों के लिए थी। सब लोग अपने ऊपर ना लें, और मुझे पता है जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनको भी जानती हूँ, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएँ उन लोगों के लिए। अच्छा जी ये देखें, बातों बातों में भूल गई कि मैंने देखें अपना फ्रिज साफ़ कर लिया माशाल्लाह, और ड्राई कपड़े से इसको खुश भी कर लिया था, और सारी जालियाँ वगैरह मैंने लगा ली थी। अच्छा जी अब आ जाते हैं आज की धमाकेदार रेसिपी की तरफ। ये जो है अंडे आलू मैंने बॉईल कर लिए और उसको कट कर लिया इस तरह हाफ हाफ एग्स को, और ये जो मैं मसाला छिड़क रही हूँ मैंने घर में बनाया है, यानी लाल मिर्च पिसी हुई हल्दी और नमक। बस जी इन चीज़ों को मैंने मिलाया और उसके ऊपर मैं इस तरह स्प्रिंकल कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी अंडे आलू को, ठीक है। इतने क्रिस्पी से ये हो जाते हैं, और इस पर ये जो मसाला लगा हुआ था इसका अपना ही फ्लेवर आ जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ देखें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है तेल ले लिया, उसके अंदर मैं अंडे को इस तरह देखें जो जर्दी वाली डायरेक्शन है ना उसको नीचे की तरफ करके, और इस तरह से मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, ठीक है। अगर तो आपके पास बड़ा सा कोई फ्राई पैन है ना तो आप उसमें इस रेसिपी को बनाएं, उसमें भी बड़ी अच्छी लगती है। तो उससे ये होता है कि उस फ्राई पैन को आप डायरेक्टली जो है ना अपना डाइनिंग पे या दस्तखान पे डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, वो खूबसूरत की खूबसूरत भी लगती है और बर्तन भी कम निकलते हैं। मेरे पास बड़ा फ्राई पैन नहीं है, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन जस्ट ऐसे आइडिया देने के लिए आपको बताया था। अच्छा जी देखें आप लोग कितना प्यारा कलर आ गया है, 5 से 6 मिनट में ये अंडे और आलू फ्राई हो जाते हैं और बड़े क्रिस्पी से लगते हैं,
और मसाला जो छिड़का था उसका अपना ही फ्लेवर आ जाता है। चाहें तो आप लोग इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। चलिए जी, अब हम तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने एक चम्मच डाल दिया, उसको मैं भून रही हूँ। ऑयल आप लोग थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, दो चम्मच जितना और डाल दीजिएगा। अब जी डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ते। मैं जानती हूँ आप लोग कहेंगे कि थोड़ा सा लाइट का इशू है। जी हाँ, मेरी बैटरी लो थी फ़ोन की, तो फ्लैश लाइट ऑन हो नहीं रही थी। इतनी अच्छी रेसिपी मुझे शेयर करनी थी लेकिन यार अंधेरे में की, उसके लिए माजरत। ये मैंने डाल दी है लाल प्याज। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। लाल प्याज जो रेडीमेड मिलती है, अगर वो है आपके पास तो वो डाल दें क्रश करके हाथों से। नहीं है तो फिर आप लोग इसी ऑयल में लाल करके प्याज को निकाल लें, फिर आप लोग लहसुन अदरक को भूनें, फिर उसी लाल प्याज को क्रश करके डाल दें। अच्छा जी, टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, हर चीज़ डाल दी। अब डालेंगे घर के मसाले। नमक है और लाल मिर्च है, पिसी हुई हल्दी है और पिसा हुआ धनिया है। मैं हाथ से डाल रही हूँ अंदाजे से, आप लोग भी अपने अंदाजे से डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी डालिएगा कि टमाटर जो है नरम हो जाए, ताकि हम उसका अच्छा सा पेस्ट बना सकें। उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी, भून के इसका एक पेस्ट बना लेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट के अंदर मैं डाल दूँगी, पहले तो अपने आलू डाल लूँगी, जो हमने अंडे आलू फ्राई किए थे उसमें से सिर्फ आलू लेके मैं आलू जो है इस मसाले में डाल के आलू पे अच्छी तरह मतलब मसाला लगा लूँगी, यानी मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी। ठीक है, उसके बाद जो है मैं अंडे जो है इसके अंदर शामिल करूँगी। अंडे बाद में इसलिए शामिल करूँगी क्योंकि वो ज़रा डेकोरेट करते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है, कॉर्नर्स पे रखते हैं। चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं अंडे आलू साथ, लेकिन ना फिर वो डेकोरेट नहीं हुआ होता तो मज़ा नहीं आता। ये देखें जी, मैंने आलू जो है मिक्स कर लिया। अब मैं साइड में इस तरह एग्स को लगा रही हूँ। ठीक है जी, बस ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है हम इसको ढक कर 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम दे देंगे। ठीक है, इतनी धमाकेदार ये रेसिपी, इतनी मज़े की ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो ये पर्सनली ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग इसको नान के साथ खाएँ, इतना मज़ा देती है, और चावलों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फिर ग्रेवी आप लोग उसको बढ़ा लें। अच्छा जी, मैंने ढक कर इसको 5-6 मिनट के लिए रख दिया है। यहाँ देखिए जी, 5-6 मिनट हो गए, और ये देखें जी माशाल्लाह मेरे सालन की फ़ाइनल इसकी लुक। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर लूँगी, और बस जी हो गया डन। तो बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी सी बन जाती है। अगर आप अंडे आलू बॉईल करके रख लें पहले से, आपके पास टाइम नहीं हो, पर जब भी आपको गर्मा गर्म बनानी हो तो ये झटपट सी बना लें। नॉर्मली जो हम अंडे आलू का सालन बनाते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता खाने में। ये वाला सालन जो ना भुना भुना सा, तेल अलग और बड़ा मज़े का सा लगता है। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और इसको जो ना रमज़ानों में सहरी में बनाएं तो भी बड़ा मज़े का लगता है, या संडे को आप लोग नाश्ते वगैरह में बनाएं तो भी बड़ा मज़े का लगता है ये। तो उसको ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है, मेरे कहने पे कम से कम एक दफ़ा, और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, मैं इसको खा के भी आप लोगों को बता रही हूँ कि इसके क्या इसके टेस्ट थे। यकीन जाने इसको जब हम खाते हैं तो ऐसा लगता है कोई कढ़ाई या कोई कोरमा टाइप कोई सालन खा रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अंडे आलू का कोई सालन खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आता है, कोई चिकन का कढ़ाई या ऐसा चिकन का सालन, ऐसा फ्लेवर आता है। तो जनाब जी, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब करते हैं वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इसी तरह की कोई अच्छी सी मज़े की सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।